को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने पहल चैनल मोटर जोन पे। और दोस्तों आज मैं आया हूँ मुकेश चंद्र गोड़ के पास अपनी गाड़ी की जो सर्विस वगैरह कराने हैं, उसके अंदर कुछ इश्यूज वगैरह है वो करवाने आए हैं। तो अभी मुकेश भाई गए हुए हैं, वो आएंगे गाड़ी टेस्ट करने गए हुए हैं, आके हमारी गाड़ी को टेस्ट करेंगे, उसके बाद में बताएंगे क्या क्या चीज़ें हैं। ये उनके कार टेस्टिंग, कार स्कैनिंग के ये चार्जेस वगैरह, ये इनका ऑफिस है आप देख सकते हो। बाकी ये इधर काम वाम चलता रहता है, हमारी गाड़ी उधर खड़ी है और ये देख लो ये इधर काम वाम चल रहा है। और मुकेश भाई आएंगे, उसके बाद में बताएंगे हमारी गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेके क्या सीन है, क्या कुछ है। तो चलिए चलते हैं बताते हैं। तो भाई देखो यहाँ पे सबसे पहले एंट्री होती है मुकेश भाई के आने के बाद में, और 500 रुपये लेते हैं, डिटेल विटेल पूछते हैं। अब उसके बाद में ही गाड़ी की चेकिंग वगैरह होती है, स्कैनिंग वगैरह होती है, जो भी है ये चार्जेज है। सबसे पहले 500 रुपये कार टेस्टिंग ले लेते हैं, अभी जो है मुकेश भाई जाएंगे चेकिंग वेकिंग करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, वो बताते हैं आपको, अभी और गाड़ियों में लगे हुए हैं। अच्छा ठीक है, तो यही है, आ जाओ भाई। मुकेश भाई आ गए हैं गाड़ी के पास में, अपनी गाड़ी की करेंगे टेस्ट ड्राइव अभी जो है। चलिए करते हैं, मुकेश भाई आज टेस्ट ड्राइव करेंगे, बताएंगे हमारी गाड़ी की कमियां। बहुत दिनों बाद में मुकेश भाई साहब से मिलना हुआ है। बहुत दिनों बाद की पहली बार। पहली बार हुआ है, मतलब काफी टाइम से ट्राई कर रहे थे। तो मुकेश भाई साहब सबसे पहले तो इसमें है पिकअप की प्रॉब्लम, ठीक है, पिकअप, ठीक है, और एक जो है ये वाइब्रेशन करता है गियर, तीसरे चौथे गियर पे। स्टीयरिंग में भी बहुत वाइब्रेशन है। हाँ, स्टीयरिंग में भी वाइब्रेशन है। चौथा पहले से ही चलता था, अभी क्या है इसकी एवरेज बहुत मुझे लग रहा है कम है। जैसे मैं दिल्ली से गुड़गांव ट्रेवल करता हूँ ना, तो बहुत तेल पीती है। आपका मेन प्रॉब्लम क्या है? पिकअप, पिकअप है, और दूसरा और भी एक हार्ड है इसका, क्लच भी। हाँ हार्ड है, यही दिक्कत है। मैंने अभी क्लच चेंज कराया था 85 या 90,000 के ऊपर। राजस्थान से कराया था, हो सकता है उसमें गड़बड़ हो गई करने में। उस कब से हार्ड, कब से ये हार्ड? अभी मतलब 10-12,000 किलोमीटर के करीब करीब हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी हार्ड है, मतलब पैर दर्द होने लग जाता है। अच्छा जी। और एक इसका जो पीछे वाला टायर है ना, वो जाम हो गया था अभी 10-15 दिन पहले, तो वो मिस्त्री से खोल के उसको टेम्परेरी काम कराया, क्योंकि मुझे यहाँ पे आना था। हैंड ब्रेक भी बहुत ऊपर आके काम कर रहा है, यहाँ पे आना था, तो मैंने कहा इसके जो सुई लेजर वगैरह है वो बाद में चेंज कराएंगे मुकेश भाई के पास ही। तो आपके पास है ये गाड़ी मुकेश भाई साहब, इसको एकदम तैयार करके देनी है मुझे, देख लो क्या क्या आपको लगता है। पहले मैं फॉल्ट देखूं क्या क्या। हाँ, जो भी चीजें आपको लगती है ए टू जेड। एक तो क्लच में पंगा है इसके। हाँ, क्लच वायर है, क्लच में नहीं होगा वायर, देख लेना जो भी लगे, क्लच, क्लच वायर, और एक एवरेज की भी कहानी है। एक इंजन फ्लश वगैरह मेरे हिसाब से 1-15 चल गई है, तो करना चाहिए क्या हमें? हाँ बिल्कुल, इंजन फ्लश तो बहुत टॉप की चीज है, वो तो कर, तो इंजन फ्लश कर देना एक अपना, तो वो कहानी है। और बाकी आप चला के देखो एक बार, पिकअप में है ना दिक्कत? अभी मैं आपकी तरह चलाऊंगा, मैं 1 किलोमीटर तक। हाँ, कुछ नोट हो जाए अलग बात है, हमारा टेस्टिंग पॉइंट आ गया, वहां से मैं टेस्ट करूंगा कई लेवल पे इसको। जैसे आपको टेस्ट करना है, जो करना है आप कीजिए, आपके पास है, इसीलिए मैंने एक दो को दिखाया, कुछ को तो समझ में आया कि दिक्कत है ये पिकअप में, कुछ को नहीं समझ में आया कि पिकअप में दिक्कत है ही नहीं, वो तो एक्सीलेटर हार्ड है, एक्सीलेटर करके चला लेते हैं। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं इसको इतनी चला दी है, पहले नहीं आती थी ये दिक्कत, अभी आने लगी है। ये सबसे बड़ा मेजर इश्यू है इसका बना हुआ है। दूसरा मैं सोच रहा हूँ इसको काम सही हो जाए, उसके बाद में इसमें CNG लगाने की सोच रहा हूँ, वो भी आप जैसे सजेस्ट करोगे। अभी मैं बताऊंगा तब, अभी मत CNG के लायक नहीं है अभी, ठीक है। तो माइलेज क्या दे रही है? माइलेज वैसे तो 14-15 की अच्छी खासी दे देती थी पहले, मेरे हिसाब से तो ठीक थी। अब ये मुझे ऐसा लग रहा है, ये ऐसे तो कहीं नोट नहीं होता इसमें, बट 10-11 देती है शायद, तेल पीती है ज्यादा ये। जी हमारा आ गया टेस्टिंग, यहाँ से होगी शुरू टेस्टिंग की। पहले धड़कन चेक करें गाड़ी की, कैसी धड़क तो ना रही है। सुबह जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग क्या रहती है गाड़ी की, कैसा? नॉर्मल, कोई धड़धड़ाने, कोई धड़धड़ाने नहीं, बस सिर्फ तीसरे चौथे गियर पे मुझे वाइब्रेशन फील होता है, वैसे कोई धड़धड़ाने की वो कोई दिक्कत नहीं। स्टीयरिंग में तभी भी वाइब्रेशन है ज्यादा, है है, हार्ड वाइब्रेशन है, ठीक है। क्लच वायर का इशू है, कभी जाम में चल रहे हैं उस टाइम ब्रेक भी हार्ड होता है। हाँ, बंद भी हो जाती है कई बार। नहीं, बंद होना एक अलग है, ब्रेक भी हार्ड हो जाता है क्या? जैसे ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं और वो हार्ड हो गया ब्रेक, वो ऐसे लगता है चिपक गया कहीं पे, ऐसा कुछ लगता है ऐसे। ठीक है,
इसका मुझे लगता है ब्रेक का सूज लेते रहना, तीनों चारों टायर के आप चारों के वो चेंज कर देना। एक्चुअली क्या है मेरा लेने का ईवी प्लान, ईवी गाड़ी लेने का। अच्छा। वो बट अभी डेढ़ दो साल बाद में लेने का सोच रहा हूँ मैं। अच्छा। तो इतने कि मैं इसको बढ़िया तरीके से चला लूँ, तो मैंने कहा एक बार बढ़िया सर्विस हो जाए इसकी। ब्रेक सही से नहीं काम कर रहा ना, मैं कुछ और टेस्ट कर रहा हूँ, जरा हेड का टेस्ट कर रहा हूँ, पावर ब्रेक आगे चेक करूँ। क्लच तो सही है, खाली केबल का प्रॉब्लम है, उसकी वजह से केबल टाइट है क्लच। और पिकअप में? पिकअप आगे टेस्ट होगा अभी खाली। अच्छा। मिसिंग इंजन पावर क्लच, अब आगे पहले नॉइज टेस्ट होगा, उसके बाद से आगे जाएंगे पिकअप के लिए। अच्छा, अलग अलग इन्होंने टेस्टिंग जोन बना रखे हैं भाई साहब। टेस्टिंग जरूरी है ना, नहीं टेस्टिंग सही नहीं होगी तो फिर काम सही नहीं हो पाएगा। हाँ, ये मेन चीज है टेस्टिंग। ये बिल्कुल सही बात है, ये ग्राउंड यहाँ पे एक्सल वैक्सल नॉइज ये सारे टेस्ट करूंगा मैं। पहले तो एक्सल टेस्ट करता हूँ क्या है, चिमटे चेक करूंगा, सोकर चेक करूंगा, चिमटे भी सही है इसके। कैलिबर पिन भी सही है, एक बार स्टीयरिंग को चेक करते हैं, कोई आवाज तो नहीं है, कोई मेजर साउंड नहीं है सर गाड़ी के अंदर। हाँ गाड़ी सही ये है, बस पावर में थोड़ी सी वाइब्रेशन, ये जैसे उठाते हैं ना गाड़ी को, यही दिक्कत है। हाँ, ये है सबसे बड़ा, इससे तेल भी मुझे लगता है इसी से पीती है, क्योंकि रेड लाइट होता है, रेड लाइट के बाद चू चू हॉर्न मारने लग जाते हैं पीछे वाले। और पिकअप इसका पहले बहुत सही चल रहा था, पिकअप नहीं है सर इस गाड़ी में, दिक्कत है ना एक्सीलेटर, ये ना रहा है एक्सीलेटर ही ना ले रही है, देखो दबा रहा हूँ ऐसा लग रहा है गाड़ी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हाँ, एक्सीलेटर दे रहा हूँ यही, ये ना ये तो बहुत दूर जाके पिकअप पकड़ेंगे, दबा के रखोगे ना आप तो बहुत दूर जाके पिकअप पकड़ेंगे, जो इनिशियल पिकअप है वो नहीं है। ये ना अभी एक घंटे तक दबा के रखो, कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं, रॉन्ग साइड लेना पड़ेगा सब बालक लोग। ये देखो यही मुझे लगता है कोई ना कोई वो है, स्टंट है, स्टंट वाले हैं देख लो। असल बात ये ऐसी जगह है ना, क्या करेंगे, थोड़ा शांति का जगह रहता है, इधर ही ले आता हूँ ट्राई के लिए। हाँ नहीं नहीं सही है, बढ़िया। मैं भी शुरू से छोटा सा ही स्टार्ट किया, तो बस ईमानदारी रहनी चाहिए, बस ईमानदारी। ये लगा देखो सर गाड़ी चल नहीं आ रही है, तब से दबा रखा है एक्सेलेरेटर मैंने, फुल है ना, फुल दबा रखा है, वही तो मुझे अब मजा नहीं आता, गाड़ी भाग नहीं रही है बिल्कुल ही, ये देखो इतना टाइम लेता है गाड़ी। हाँ, 40 ऊपर स्पीड आ ही नहीं रहा, अब देखो अब ये स्पीड पकड़ रहा है धीरे धीरे, अब पकड़ेगा इतना टाइम हो ये, मतलब गाड़ी ओवरटेक करनी है दू 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 दू। वही अब यही तो दिक्कत थी मुकेश भाई, इसीलिए तो मैंने कईयों को चेक कराया, कईयों को समझ में नहीं आया, ना ना कमी है गाड़ी के अंदर। इसका क्या हो सकता है मैं बताऊंगा अभी। हाँ। एक बार स्कैनर से भी टेस्ट करूंगा ना मैं कि इसका लाइव डेटा क्या कह रहा है। हाँ, ऐसे तो चला के तो फिर टेस्ट कर लिया हमने। हाँ। काम बढ़िया चल रहा, लेकिन अभी भी ईमानदारी से ही कर रहे हैं, चाहे कितना बढ़िया। हाँ वो चीज भाई सर, मैंने जैसे आपसे मिला हूँ ना एकदम डाउन टू अर्थ, एकदम नेचुरल, नहीं तो इतने सब्सक्राइबर, तीन चार चैनल, तीन चैनल हैंडल कर रहे ना अभी, मतलब इसको भी ओवरटेक नहीं हो पा रही है। ये देखो इसको ओवरटेक करने पसीने छूट गए, तो यही है। अच्छा ये देखो जैसे हम एक्सेलरेट करते हैं ना, ये देखो ना एक वाइब्रेशन आ रही है ना, ये हाँ यही तीसरे चौथे गियर में इसमें भी आती है, ये एक्सेलरेशन जब हल्का एक्सेलरेशन कर रहे हैं। हाँ। ये खस 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 खस, अब देखो हट गया वो। हाँ। ये फिर आ गई, ठीक है, ये गर्म होने के बाद थोड़ी गाड़ी और कुछ एक्स्ट्रा हरकत करने लग रही है, देखो। हाँ ये ना रहा एक्सेलरेटर जब ले रहे हैं ना हम, अभी गड़बड़ करी थी यहाँ आके, ये चीजें झटका सा। हाँ हाँ
और डाउन जा रहा आरपीएम बहुत ज्यादा। हाँ तभी तो मैंने कईयों को दिखा लिया, समझ में नहीं आया लोगों, मैंने कहा अगली बार मुकेश भाई के पास। असल बात है लोगों के समझ में आ जाएगा, लेकिन वो लोग बहुत हबड़ा दबड़ी करते हैं। हाँ। टेस्टिंग में थोड़ा टाइम लगाते हैं ना यदि गाड़ी टेस्ट करने में, बारीकी से यदि चला के चेक करेंगे तो हमसे भी अच्छे अच्छे मिस्त्री हैं। हाँ। लेकिन वो लोग क्या जल्दी कर देते हैं, ऐसा बैठा गाड़ी स्टेयरिंग पे फटाफट घुमा के लिया के बता दिया, इतना ओवर एक्टिंग क्यों? हम तसल्ली से भी तो गाड़ियों को चेक कर सकते हैं। मेरा सर यही एक काम है जो बहुत तसल्ली से करता हूँ, गाड़ी चेक, मतलब इश्यू पकड़ में आ गया ना। हाँ जी, काम हो जाता है, काम करना कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं पे भी काम कर लो। और तीन चार आइटम मैंने नोटिस कर ली। हाँ। और उसको जाके एक बार कंफर्म कर लेते हैं गैराज पे। हाँ। एक मैप सेंसर की इसकी रीडिंग लेनी है मेरे को, मेरे को लग रहा है इसकी मैप सेंसर की रीडिंग हाई जा रही है, हो सकता है इसकी वजह से इसमें इंजेक्ट हो रहा है तेल ज्यादा, वो भी हो सकता है क्योंकि पहले सब सही चलता था भाई। नहीं, ये गोली हो जाती है भाई साहब, ये आइटन बहुत गोली हो जाती है, लेकिन ये चलने को तैयार ही नहीं है। अब क्लच दे के चलाओ तो चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। ये ना डबडबा सी गई गाड़ी। वही तो अब हर बार क्लच ब्रेक, क्लच कम मैं अवॉइड करता हूँ क्लच दबाना, बट अब मेरी मजबूरी हो जाती है इसमें। क्या करोगे, एसी बंद करो नहीं तो क्लच यूज करो ओवरटेक करने के लिए। ओवरटेक वही तो, नहीं तो क्लच का अवॉइड ही करता हूँ क्लच। इस कंडीशन में फ्लाई ओवर पे जाते होंगे तो डाउन गियर मारना पड़ता होगा। वही दिक्कत है ना, तभी तो मैं काफी दिन से परेशान था। मैंने कहा पकड़ सकते हैं तो मुकेश भाई, फिर मैंने काफी वीडियो देखी, किसी को समझाया कि ये कईयों को बोला, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे दिक्कत है, बोला नहीं हमें तो कोई समझ में नहीं आ रही है, दिक्कत है इसके अंदर, तगड़ी दिक्कत भाई है। अब इसको आज लगा दोगे काम पे? अभी सर काम पे तो अभी आज मुश्किल लग पाएगी, इसलिए क्योंकि कब लगाओगे बताओ? कोई बात नहीं, हो सकता है कल, मुझे कोई जल्दी नहीं है। आप बोलोगे चार दिन छोड़नी है, मैं छोड़ दूंगा परसों या चौथा रोज, मैं कर सकता हूँ इसको काम। कर देना जब आपको करना, मैं तो लेने आ जाऊंगा। सर का एक बल्ब भी खराब है वापिस। हाँ वापिस, एक फोग लाइट आप सही करते हो ना? ये भी हाँ, सारा काम फोग लाइट है ना, वो भी मतलब तार वार कहीं से दिक्कत है। एक हॉर्न है ना, वो भी चलते चलते कई बार है ना ये करंट छोड़ देता है, तो वो भी एक कहानी। ये सब गाड़ियां देख रहे हो ना, होंडा सिटी टी है, वो एक कल की है सारी गाड़ियां। हाँ। ये i20 भी कल की है। हाँ, मुझे पता, मैं देख लिए कुछ लिए, वो तो इमरान भाई थे बोल रहे थे भाई। हाँ, ये सब कल की गाड़ियां है, अभी जो चेक नहीं करोगे क्या? नहीं, वो आगे लगाऊंगा, कहीं लगा जगह भी तो नहीं। अच्छा, अभी इको स्पोर्ट फंस रही थी तो मैं आज इसको फाइनल कर दूं। कोई ना, आप आराम से जब जैसे आपको करना हो। अभी एक बार सर मैं ऐसा करता हूं, इसका मेजरमेंट कराता हूं, उसका मैप सेंसर एक बार इंजन और खोल के देखो। हाँ, मैं सारा चेक करूंगा, अभी मेरा टेस्टिंग कंप्लीट कहां हुई है अभी। तो भाई मुकेश भाई बहुत बढ़िया तरीके से टेस्टिंग करते हैं, और यही चीज होती है इश्यू पकड़ में आना, कोई भी चीज, कोई गाड़ी हो, कोई भी चीज हो, अगर जिसमें टेस्टिंग बढ़िया से हो गई ना, जैसे टाटा महिंद्रा वाले टेस्टिंग में गड़बड़ी कर देते हैं, कस्टमर ही करो उनकी टेस्टिंग, चाहे इंजन फेल हो चाहे कुछ भी हो। सॉरी अगर टाटा वाले कोई वीडियो देख रहे हैं तो, बट ये दिक्कत है, रियलिटी है। तो यही है, अभी देखते हैं इसका, पहले इंजन खोलेंगे और अपना इंजन का कंडीशन देखेंगे। बिल्कुल लो मुकेश सर, ये दो मेरी तरफ से, एक बाइक का, थैंक यू सर, एक आपकी गाड़ी गांव में है, ये इसका व्हाइट वाला उतर जाता है, ठीक है, कवर है वो, ये मतलब गंदा नहीं है इसलिए लगाया होता है, दोनों साइडों आगे पीछे दोनों का उतरता है। थैंक यू सर। ऑयल भी गड़बड़ है क्या? प्लस की जरूरत है ना, प्लस कर देना, वो तो सर्विस हो जाएगी ना। हाँ, तो मतलब पूरा इंजन ऑयल सब चेंज होगा ना, सर्विस होगी पूरी पूरी सर्विस। हाँ, तो इंजन फ्लश होगा, बाकी काम जो है वो बताएंगे क्या क्या होने वाला है। और ये आ गया मुकेश भाई साहब के सेंसर जो चेक करने वाला है। ये स्कैनर आ गया भाई का, स्कैनर लगाएंगे, चेक करेंगे क्या कहानी है क्या नहीं है। सिलेंसर का स्मोक चेक करते हैं जी क्या। हाँ देखो, इमिशन सही नहीं हो रहा अंदर है ना, इमिशन में गड़बड़ी है, इमिशन में गड़बड़ है। एक बार एसी बंद करो जरा, एसी बंद करना भाई।
इसका फिल्टर लोकल लगवाए हैं क्या? नहीं, कंपनी का ही है, देखो एक बार, होना तो कंपनी का ही चाहिए मेरे साथ। ना एक हल्का एक्सीलेटर में कैसा भर भर कर, ये देखना, चेंज कर देंगे फिल्टर में क्या, आपको जो चीज़ चेंज करनी है ना सारी कर दो एक बार में, चेक कर लो जो चीज़ें हो सकती है कि हाँ भाई ये काम की नहीं है, ये हटाओ करो इसको, मतलब बढ़िया तरीके से आने वाले कुछ टाइम के लिए वो हो। स्कैनर दे दो जरा इधर, दो स्कैनर कनेक्ट कर दिए, कैसे फेड टू सर्वर वो दिखा रहा है। अच्छा कंटिन्यूटी लीजिए सर, आईके 1.2 2013 मीटर में रीडिंग देखो कितनी चली हुई है। एक पंद्रह कोई ट्रबल कोड नहीं आ रहा है, मुझे लगता है इसमें सेंसर वेंसर का ये काम नहीं करता इसके अंदर। ऑटोमेटिक सर्च में नहीं आता क्या ये? ये चेंज करना होगा क्या? बंद करके स्टार्ट करो जरा, बंद करो स्टार्ट। सुबह धड़कती रहती है काफी देर तक, हैं? धड़कती रहती है सुबह काफी देर ना, ऐसा कुछ धड़कने का कोई खाली यही है बस। हाँ पिकअप कार जो मैंने लगाया ना, धड़कने का मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। ठीक है तीसरे चौथे गियर में जैसे बंद करो जरा, खाली जो है ना इसके इंजन ट्यूनअप, इंजेक्टर क्लीनिंग और एग्जॉस्ट का वाल, ये तीन आइटम डालेंगे गाड़ी। क्लच वायर डलेगा ना, क्लच पूरा तो नहीं दिक्कत होगा ना, एक इसके ये चारों लेदर शूज लेदर ब्रेक ब्रेक ले, ब्रेक पैड बूट घिसे होगा हो जाएगा यार, क्योंकि इसके है ना ये जाम हो गया था अभी पीछे। अच्छा। तो फिर मैंने कोई पत्ती सी आया वो उसने ठोक ठाक के निकाला, फिर पत्ती सी लगाई थी एक, मैंने कहा एक बार बोला चेंज करवाना होगा, मैंने कहा एक बार टेम्प्रेरी कर दे करेंगे। अच्छा। तो चेंज करवा देना चाहिए चारों ही, खराब होगा चेंज हो जाएगा नहीं तो डिस्टर्न होगा। आ जाओ स्कैनर निकालो जरा। तो भाई देखो मुकेश भाई आप अपना काम बता रहे हैं, क्या क्या काम होगा इसके अंदर सारा लिख देना भैया, गियर वेयर ब्रेक ब्रेक शू लेदर साल लेदर ऑयल आयल फ्लैशिंग फ्लैशिंग सब लिख देना, कितना प्राइस है वो भी बता देना मुझे साथ में, ये पता नहीं डॉक्टर वाली राइटिंग लिख रहे हैं मुकेश भाई भी पूरी प्रिस्क्रिप्शन हमें बता तो दो क्या क्या लिख रहे हो वो डॉक्टरों से पूछना पड़ता है ना, मेडिकल वाला ही समझेगा वो तो बस। हाँ वही तो है। आप सर्विस भी कराएंगे क्या? हाँ सर्विस कराएंगे, तो सर्विस में आपका इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर कूलेंट, गियर ऑयल, ब्रेक ब्रेक और वाइपर ब्लेड, ये सारी चीज। इंजन ऑयल कौन से डलवाएंगे? जो आपको बेस्ट लगे, वो W30 आता है ना, 5W30 कौन सा आता है वो सही रहेगा ना, जो आप डालते हो वो अच्छा है। वो पेट्रोल गाड़ी में 5W जाता है, 30 पेट्रोल गाड़ी में 5W जाता है। अच्छा एक वो पीछे आप उसे धुएं से देख रहे थे वो क्या था वो भी लिख दो, वो इमिशन देख लिख दिया ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा ना आपने क्या क्या लिखा, इसलिए मैंने कहा बता देता हूँ मैं, उनके समझ में आ जाएगा जो काम करेगा वो रात दिन का काम है। अच्छा पिकअप वाला मेजर एवरेज वाला एवरेज तो चलो हो ही जाएगा पिकअप से। ठीक है
हो जाएगा आपकी गाड़ी इतनी। और वाइब्रेशन जो आप बोले थे वो लिख लिया मैंने, लिख लिया ना। पिकअप है, वाइब्रेशन है, देखो हेड ओवरऑल है, टोटल क्लीन है आपका, वो पेट्रोल टैंक पूरा टोटली क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि हेड करेंगे ना तो भाई सारा लाइन क्लीन होती है टोटल। हाँ कर दो। कितना खर्चा कितना आएगा? 20,000 के करीब हेड हेड में आ जाता है। अच्छा, और सर्विस का? उसके बाद सर्विस में आपका इंजन ऑयल है तो 2050 कैस्ट्रोल का है, मोबिल का 1180 का है, ऑयल फिल्टर 110, एयर फिल्टर, कूलेंट, गियर ऑयल, ब्रेक में डिपेंड करता है ना आगे का पीछे का कितना डाउन है। अच्छा हाँ ठीक है, वो दोनों चेंज, चारों चेंज करने हो तो वाइपर ब्लेड यदि खराब हो नहीं होगा? वाइपर की ब्लेड की जरूरत नहीं है, साफ है एकदम नए। हाँ, ये हमारा मैकेनिकल लेबर चार्ज है 1,000 रुपए। अच्छा, तो कितने हो गए? 20-25,000 रुपए के आसपास हो गए। हाँ, इतने समथिंग में। और करके कब देंगे? हेडवे क्या इंजन पूरा खुलेगा क्या? नहीं पूरा क्यों खुलेगा, खाली है। और एक वो वायर, क्लच वाला वायर, वो जनरल चेकअप में आ जाएगा। क्लच वायर कर दो, लिख दो। क्लच फोर्क चेक हार्ड है, क्लच है, देन क्लच केबल, क्लच केबल कहाँ गए भाई? इमरान भाई आना, ये लो मुकेश जी। हाँ तो भाई ये लिस्ट बनाइए मुकेश भाई ने, अब चलते हैं। लो मैं आधार कार्ड वो डाटा बायो डाटा बना लाया। ये इमरान भाई, ये कब करोगे बता दो आप मुझे। हेड ओवरऑल है इसमें, इंजन ट्यूनअप है पूरा टोटल, और क्लच का केबल है, चारों ब्रेक हैं। ठीक है, इसमें लिख लिया वो उसमें? बताओ के पास आ गए मेरा मेन जो अब काम करने वाले ये भाई साहब है। खर्चा ज्यादा बता दिए ना? खर्चा ज्यादा बता दिए क्या? अरे सर जी खर्चा तो हो ही है इसमें। तो इसमें क्या होता है हेड ओवरऑल में? चलो हमारी वाल की सीट वीट कट जाती है, वाल कट जाते हैं, सीट डाउन हो जाती है। अच्छा, इसके अंदर एक हॉर्न टर्न इंडिकेटर वो भी लिखना था यार, लिख दो है ना। कब बुक करोगे पहले बताओ तो सही मुझे, कब करोगे? अभी तो 2 दिन बाद है। अरे 2 दिन बाद में कर देना, फिर गाड़ी खड़ी उधर खड़ी है। अब बताओ, आ जाओ गाड़ी दिखा के लाओ, गाड़ी दिखा दो, आ जाओ। दोस्तों पूरी गाड़ी वाड़ी चेकअप हो गई है, मुकेश भाई ने बहुत अच्छे तरीके से गाड़ी चेक की है, बट कहानी ये आ गई। अब उनके पास एक तो टाइम नहीं है, दूसरी बात ये है कि गाड़ी का जो पूरा तेल वेल है वो ख़त्म होना है, तो और मैंने टंकी करवा रखी है, फुल की फुल करवा रखी है मैंने, तो वो बोल रहे हैं कि तेल निकलेगा ये ख़राब होएगा, इससे बेटर है कि आप इसको चला लो और दीपावली के बाद में जो है आप आ जाना गाड़ी को लेके। काम जो है वो उन्होंने बता दिया, ये काम होगा, पूरा हेड का काम होगा, थ्रोटल बॉडी क्लीन अप होगा, और जो भी काम होने, एक्सपोजर सारे काम होने, तो 20-25,000 रुपये का खर्चा आएगा, बट उसके बाद में गाड़ी है वो चकाचक हो जाएगी। तो वही चीज़ है, अब जो है इसको दीपावली के बाद में हम देखते हैं, इसको एक बार जो है लेके आएंगे गाड़ी को, पूरा काम करवाएंगे। तो यही था पूरा इस वीडियो के अंदर, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और सर्विस करवाएंगे मुकेश भाई से दोबारा आके, तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहता है एक्सपीरियंस। बट बाकी वास्तव में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मुकेश भाई से मिलके, गाड़ी चेक की उन्होंने, काफ़ी चीज़ें जो है इन्होंने निकाल के बताई बहुत बढ़िया तरीके से। सबसे बड़ी बात है उनकी टेस्टिंग, बहुत बढ़िया तरीके से वो जो है टेस्टिंग करते हैं भाई साहब, बहुत बढ़िया तरीके से। तो वही थी, तो यही था आज के वीडियो में। अगर आपको भी किसी को मिलना है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको बता सकता हूँ कैसे मिल सकते हो आप उनसे। दूसरी चीज़, आप उनको ट्यूसडे को वो लाइव आते हैं, हर ट्यूसडे को वो कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है उनका, उससे भी आप जो कॉल कर सकते हो 5 से 6। अदरवाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बता सकता हूँ कि कैसे जो आप इनसे मिल सकते हो। तो यही था वीडियो, देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।